लिखो एग्जाम्पल, hardly had I slept when the telephone rang. Hardly had I slept when the telephone rang. मैं हजे सुत्ते ही सी ना, मतलब यह इह हार्ड नहीं हैगा, हार्ड ना सख्त, हार्ड नहीं होता औखा ही, भी मैं औखा ही काम किया सी यार, अजे समझ गल, मैं हजे सुत्ते ही सी when the telephone rang. नाल दी नाल की होई घंटी, तां हार्डली हैड आई स्लेप्ट, हार्डली या स्केर्सली मतलब कोई काम नहीं, औखा ही पूरी होवे कहना, मतलब उत्थे आपां यूज करदे कोई काम औखे ही पूरा होवे तां सानूं कहने आ हार्डली और स्केर्सली, समझे गल नूं. चलो अगे लिखो दूजा रूल, आ सैकेंड रूल आ दो, जेकर बाद विच दो आ जाए, दो हुंदा भावें, हालांकि पंजाबी पैन की कोई लोड़ नहीं, आप रूल लाना दो मतलब भावें होंगे, दो तो बाद हमेशा येट की वरतों की जाती है, दो तो बाद हमेशा येट की वरतों की, इतनी गलती आनी और कोई गलती नहीं आऊ, बस इतने हार्डली सामने कुछ होर पा देने, बैन नहीं पाने कुछ होर पा देने, आप गलती पर करनी भी हार्डली तो बाद की आऊगा बैन, दो तो बाद की आऊगा येट, दो तो बाद येट की वरतों की जाती है. एग्जाम्पल, दो ही वर्ड हार्ड येट ही फेल्ड, दो ही वर्ड हार्ड येट ही फेल्ड, भावें उन्हें सख्त मेहनत की पर फिर भी की हो गया फेल हो गया, तो उत्थे इहदा मतलब दो तो बाद असीं किहदा प्रयोग किया साथियो, येट का प्रयोग, दो तो बाद जेट का प्रयोग, ठीक है लिखो वधिया रूल, एक आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन बन गए. तीजा लिखो नो सूनर जेकर लिखा आ गया, NOSWONER, नो सूनर तो बाद हमेशा दैन का प्रयोग किया जाता है, नो सूनर तो बाद हमेशा THEN दैन का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, नो सूनर डिड वी रीच देयर दैन इट बिगान टू ध्यान करो, नो सूनर तो बाद पुत्रो की वरतों हुई है, दैन की वरतों, अपन पंजाबी कोई मतलब नहीं, लैंड की मतलब समझे गल, देखो इन्होंने भी डेढ़ा आ गया ना, तो डेढ़ तो बाद कि फार्म लाई है, पहली फार्म लाई है, बस आप ध्यान रखने ने भी डेढ़ा आ गया, जब पंजाबी बनाने की कोई लड़ नहीं, रूल देखने ने भी डेढ़ा आया जी उनकी पहली फार्म लाई, इटा मेरी सही है, बस जब इतने गलती पा देंगे फिर अगे पा दौ, फिर देखो यार भी इतने नो सूनर सेगा, इतने दैन के मैं इतने तो दिन पाता उन्होंने बैन पाता, तो इतने दिन बैन नहीं आना की आऊगा, कोई पंजाबी नहीं बनाई मेरे इतने की आ गया, हालांकि पंजाबी की बनी नो सुन डिट भी रीच देर हजे पहुंची सी, तो नाल दी नाल की होने लग गई मीह पैना की हो गया स्टार्ट हो गया. लिखो लिखो जावा जी, चौथा नॉट ओनली, जेकर बात विच आ गया नॉट ओनली तो बाद बट आलसो, नॉट ओनली तो बाद बट आलसो की वरतों की जाती है, नॉट ओनली जे आ गया तो पक्के ही है भी बाद च बट आलसो होना ही होना चाहिए, जान के गलती की पाँगे आप करांगे भी जान के गलती पाँगे वो नॉट ओनली पा के की पा देंगे कला आलसो पा देंगे, तो उसे कला आलसो नहीं आऊगा, नॉट ओनली तो बाद की आऊगा बट आलसो. लिखो एग्जाम्पल, नॉट ओनली डिड ही हेल्प पुअर, नॉट ओनली डिड ही हेल्प पुअर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हिम सेफली मतलब उन्हें सिर्फ वो कली मदद नहीं की,
नॉट ओनली उन्हें सिर्फ वो गरीब की मदद नहीं की नाल ना उन्हों की करके आया घर भी छड़ के आया सुरक्षित घर भी छड़ के आया मतलब तो यह बनया पर फिर मतलब नहीं जाना जरूर देखना कि जब नॉट ओनली आ गया इतने की आऊगा बट आ जाओ बस अब रूल लो अगला रूल बहुत बढ़िया नेक्स्ट रूल लेस्ट एल ई एस टी लेस्ट लेस्ट एक नेगेटिव शब्द है लेस्ट का मतलब नॉट एल ई एस टी लेस्ट एक नेगेटिव शब्द है सो इस तो बाद कदे भी नॉट नहीं आएगा सो इस तो बाद नॉट नहीं लिखा तो लेस्ट ही लिखता यदा मतलब सानू नॉट लिखने की कोई लोड़ है तो कह रहे कि लेस्ट भी पा देंगे लैंड नॉट भी पा देंगे तो की है गलत लैस तो बाद नॉट की वरतों नहीं होगी कंजक्शन शुड लग्या कंजक्शन या बाद शुड लग्या जिम्मे आप उपर पढ़ रहे हैं तो लैस तो बाद की होगा हमेशा शुड ही होगा वो जान के पा देंगे बुड पा देंगे कुड पा देंगे कैन पा देंगे तो आप रूल पढ़ लिया कि लैस तो बाद सत्यों ओनली वी यूज शुड शुड एग्जाम्पल कर दें वर्क हार्ड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पे सख्त मेहनत करो नहीं ता इहदा मतलब क्या नहीं ता फेल हो जाओगे वर्क हार्ड सख्त मेहनत करो नहीं तो फिर हो जाओगे पंजाबी पैन की कोई लोड़ नहीं रेस्ट आ गया तो अगला वर्ड की आऊगा तो इस बाद क्या नैगेटिव नॉट नहीं पड़ेगा अगला याद रखो अगला वर्ड बोथ बोथ लिखा आ गया जाके बोथ तो बाद हमेशा एंड बोथ तो बाद हमेशा एंड दी वरतों होंदी है बोथ तो बाद हमेशा एंड दी वरतों होंदी है एज वैल एज दी वरतों नहीं होंदी ना लिखो एज वैल एज दी वरतों नहीं तो जान के बोथ तो बाद की पाओगे एज वैल एज ता एज वैल एज लगदा कि लगूगा एंड बोथ तो बाद हमेशा एज दी वरतों होंदी है एज वैल एज दी वरतों नहीं किमें बोथ राम एंड श्याम बोथ राम एंड श्याम आर गुड एट साइंस बोथ राम एंड श्याम आर गुड एट साइंस साथियों बोथ तो बाद आप कल की रूल पढ़िया जो बोथ आ जाए कल रूल की पढ़िया जो एंड आ जाए तो एंड तो बाद पक्के वर्ब कि लगेगी प्लूरल अज मेरा रूल की है कि जो मुझे बोथ लगे आ जाए तो बोथ तो बाद पक्के इन्हों दोवे एंड पौगा ही पौगा जा तो जान कितने कौमा पा देंगे बोथ राम कौमा शाम फिर आप कहें गलती है तो जो कि पा देंगे बोथ राम एज वैल एज शाम तो भी की है गलत अगली गल एक निकी जी गलती इतना दसदा प्रेपोजिशन की साथियों आप कोई सब्जेक्ट वधी हाँ हूँ आप कहने आई एम गुड इन साइंस मैं साइंस में वधी हाँ कहना कि नहीं बिच शब्द हों बिच कोई पढ़ना बिच शब्द आए नहीं है हूँ किताब देखा बिच पढ़ते हैं आप समझे गल किताब तो साइंस एक सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट के बिच नहीं पढ़ते आप इन शब्द आप गलत लाने बहुत पेपर चाहता प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स स्टडी के वधिया हो माड़ा हो वी यूज एट We use at. I am good at science, not in science. I am good at math. I am good at SST. ता it means कि यह subject च बढ़िया होंगे ठीक है तो हमेशा उसके लिए कौन सा word use करना गा at word use करना कभी भी in शब्द use नहीं करना आ फिल इन द ब्लैंक्स बहुत different है अगे लिखो लिखो so
नेक्स्ट रूल है सो डैश एज, सो डैश डैश कुछ भी हो सकता है, आप देखेंगे एग्जाम्पल से, सो डैश एज दी वर्तों नेगेटिव, सो डैश एज, अब सो तो बाद एज लगूगा नेगेटिव वाक्य, सो आऊगा कोई लाइन आऊगी फिर क्या आऊगा एज, पर केड़े वाक्य नेगेटिव, अगे लिखो एज डैश एज, एज डैश एज, एज डैश एज दी वर्तों पॉजिटिव अफरमेटिव वाकों विच कीती जाती है, अफरमेटिव वाक, फिर कहना पुत्र रूल लिखाए जाना एक कले स्पॉटिंग का एरर च नहीं सुनो नाल नाल फिल इन दी ब्लैंक्स भी कम देंगे, डायरेक्टली फिल इन दी ब्लैंक्स भी बन गए पॉजिटिव वाकों विच कर यूज कीती, फिल इन दी ब्लैंक्स भी इन्हां वाकों चों ही निकल दिया ने, इन्हां रूल चों ही फिल इन दी ब्लैंक्स निकल दिया ने, इन्हां रूल चों ही स्पॉटिंग का एरर निकल दे, लिखो पुत्रो की ही इज नॉट, ही इज नॉट डैश टॉल, ही इज नॉट डैश टॉल एज हिज ब्रदर, ही इज नॉट डैश टॉल एज हिज ब्रदर, ही इज डैश टॉल एज हिज brother, he is dash tall as his brother, ता रूल अप्लाई किया वो अपने भाई जिन्ना लंबा नहीं है, तो पहली गल नैगेटिव आ गई ना, तो सानू पता जो नैगेटिव आ गई इतने एज लग्या होया मूहे भी लगेगा, he is dash tall as his brother, वो अपने भाई जिन्ना लंबा, तो मगरले पासे जो एज आ गया तो पक्का ही लगे मूहरले पासे भी की आऊगा एज ही, मुरले पासे भी एज ही गल कैच करके पॉइंट मेरा ही, अगला पॉइंट लिखो पुत्र, अगला पॉइंट अदर तो बाद, अदर ओ टी एच ई आर तो बाद हमेशा दैन टी एच ए आर, अदर तो बाद हमेशा दैन, अदर तो बाद हमेशा दैन का प्रयोग, मूवी बगने अदर दैन, अदर दैन तो अदर तो बाद हमेशा की होंगे दैन प्रयोग, ही हैज नो अदर क्लेम, ही हैज नो अदर क्लेम दैन हिज वेल्थ, ही हैज नो अदर क्लेम दैन हिज, he has no other claim than his, ता उदा होर कोई claim नहीं सिर्फ तो बिना उदी property तो बिना wealth तो बिना उदा होर कोई claim नहीं हैगा, ता अगर तो बाद अगला ना शब्द आया की आया then आया उत्थे then पा देंगे when पा देंगे कोई होर शब्द पा देंगे बस आप आई गलती find करनी अगर तो बाद क्या होगा then, समझ लग रही है गल दी, दो मिनट रूल पढ़ो अगे बढ़ते हैं, अगे की आ अगला रूल, रीजन 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 का कारण, रीजन तो बाद कदे भी बिकॉज की वरतों नहीं, रीजन का मा मतलब भी कारण बिकॉज का मतलब भी क्योंकि कारण हो गया, तो रीजन तो बाद बिकॉज की वरतों नहीं होंगी होंगी, जबकि दैट की वरतों होंगी है, दैट की वरतों होंगी है, रीजन तो बाद बिकॉज की वरतों नहीं होंगी क्योंकि रीजन तो बिकॉज का मतलब सेम ही है, जबकि दैट की वरतों दैट की वरतों होंगी किमें, का रीजन बाय ही डिड नॉट, द रीजन बाई ही डिड नॉट गो बस आया होगी, फिर पाउंगे बिकॉज इज मदर वाज, आया बिकॉज इज मदर वाज,
द रीजन वाई ही डिड नॉट गो वाज बिकॉज हिज मदर वाज क्योंकि उसकी माता बीमार सी पर उसके ना जाने का कारण की सी क्योंकि उसकी माता बीमार सी पंजाबी तो सही लग रही है परंतु रूल कहना जो रीजन लग गया तो बिकॉज नहीं आऊगा की आऊगा बस सिंपल सी गल है रीजन लग गया तो मगरले पास दैट का प्रयोग होगा बिकॉज शब्द का प्रयोग नहीं होगा अगला रूल भी बहुत बढ़िया अगला रूल कुछ वर्ब दियां फार्मां कुछ वर्ब दियां फार्मां जिमें डिस्क्राइब 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 हुंदा समझाउणा डिस्क्राइब करना गल एक्सप्लेन करना डिफाइन परिभाषित करना डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट ट्रीट हो जाए गलबात करना किसी ना मैनशन मैनशन का मतलब हों का दसना मैनशन करना किसी का नाम भी भाई आज बंदा मौजूद है कौमा पोट्रे 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 हों कोई फोटो बनानी चित्र बना पोट्रे तो बाद एज एस एज इंडक्शन की वर्तन जे आते फर्म आ गया ना ये तो पता एज लो ध्यान रखना उसे पेपर च एज नहीं लाया हो आप पढ़ लिया भी जे आई हाँ तो पता एज की वरतों एस एज की वरतों किमें आप एक दो एग्जाम्पल लैके समझ रहे गलत बातों आई वाज ट्रीटड आई वाज ट्रीटड एज ए स्लेव आई वाज ट्रीटड मेरे नाल किवें वर्ताव होया जिवें मैं गुलाम हूँ आई वाज ट्रीटड एज ए स्लेव तां मैं नाल इदां वर्ताव होया जिवें मैं की होवां गुलाम है जी वाज लगा पिया पास्ट ही मैं कदों कदों पुछ रहे आई वाज मेरा इदां वर्ताव होया जिवें मैं की होवां गुलाम आई वाज ट्रीटड एज अ स्लेव अगे लिखो I treat her. I treat her as my sister. मैं उसके नाल ऐदा वर्ताव करदा कि वह मेरी की होवे भैन होवे I treat her as my sister. एग्जाम्पल शो कर दिया ने डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट मैनशन पोट्रे ये सारिया तो बाद साथी की लगेगा एज शब्द की है प्रयोग एज शब्द का प्रयोग अगे लिखो नैक्सट रूल सौखा रूल ही है सानू पता पर फिर भी कापी का नोट कर लो नाइदर ये सानू पता ही है पर फिर भी नाइदर तो बाद नॉर ते आइदर तो बाद और दी वरतों जे मैं नाइदर आता मगर नॉर आऊगा आइदर आता की आऊगा नाइदर तो बाद नॉर आइदर तो बाद और दी वरतों की जाती नाइदर एग्जाम्पल लिखो नाइदर रवि नॉर राजू नाइदर रवि नॉर राजू बाज सीन ना ता रवि ना राजू मैनू दिखया ना इधर रवि नॉर राजू बाज ना रवि ना राजू मैनू किया दिखया अगे लिखो ना इधर रवि नॉर राजू बाज सी अगे बदो लिखो कुछ शब्द जिमें अनलेस अनलेस अंटिल Unless, until, if not, so that, negative शब्द हैं, ये सारे negative शब्द हैं,
सो दैट नैगेटिव शब्द हैं ता सो दैट अनलैस अंटिल इफ नॉट सो दैट नैगेटिव शब्द हैं इस तो बाद नॉट की वरतों नहीं होगी जेकर आ शब्द आ गए तो नॉट लाने की लड़ नहीं है ना मतलब ही नॉट आ नॉट शब्द की वरतों नहीं होगी एग्जाम्पल वेट हेयर मेरी वेट करो अंटिल आई कम मेरी वेट करो जिन्ना चिर मैं नहीं आता तो नहीं ना मतलब बिचों ही आ गया नहीं वेट हेयर मेरी उड़ीक करो जिन्ना चिर मैं नहीं आता तो अंटिल आ गया नौ लाने की कोई लड़ नहीं है वो लाने की ध्यान रखना है गल जेकर आप कहेंगे भी लगता नहीं गुड डोंट गो अगला बहुत बढ़िया Don't go unless I return. उन्ना चे जायो ना जिन्ना चेर मैं आऊंगा मुझे कहूँ सर जी नॉट तो लाता है ये नॉट तो लाता पर साथियों फिर कहना मैं कह के बाद विचो नॉट बाद विचो डोंट गो जायो ना जिन्ना चेर मैं नहीं आऊंगा आ बात बखरा बात तो इन्हें शब्दों तो बाद नहीं नॉट लगते हैं ये तो बाद तो आओगे मुरले पास लग सकता डोंट गो जाओ ना अंटिल अनलेस जिन्ना चिर मैं अनलेस आई रिटर्न आगे लिखो सच तो बाद सच एस यू सी एच सच तो बाद ए एस एस दी वरतों सच तो बाद ए एस एस की वरतों की जाती है लाइक तो बाद कोई प्रणाम लाइक तो बाद कोई प्रणाम की वरतों जो लाइक लिखे आ गया तो उन्होंने जोड़ने वास्ते कंजक्शन की लावे आप कोई प्रणाम कोई प्रणाम की वरतों ही लाइक्स मी सिंपल जी गल तो लाइक्स आ गया इस बात की वरतों हो गई प्रणाम की बस इन गल पर एक चले कोर लिखो लाइक तो बाद क्या प्रणाम की वरतों लिखो पर जेकर जेकर एज लग्या आवे एज एस एज नाल ही रूड़े लाइक तो बाद तक क्यों में ही लाइक्स में पर जेकर एज लग्या आवे एज तो बाद प्रणाम नहीं कोई सेंटेंस आवेगा लिखो कापी ते एज तो बाद कोई प्रणाम नहीं सेंटेंस आऊगा ना कोई कला इन एक अक्षर लिख के खत्म कर देंगे एज तो बाद पूरा बात आ पूरा वाक आवे जिमें कि एग्जाम्पल ही रनस वो भजदा एज आई कैन वो उवें भजदा जिमें मैं भज सकता तो एज तो पहला भी एक वाक आ ही रनस ए तो बाद एक वाक आ आई कैन तो दो वाकों विचाले कि एज लगता तो जे एज आ गया ये नहीं कोई नाउन प्रोनाउन पद गल खत्म कर देंगे प्रॉपर वो मगर की आऊगा एक पूरा रूप उन्हें तो लाइक भी आ सकता फिर मैं कहना ही रनस गलता उ बन गई ही रनस लाइक वो मेरे वगू भाई जो तो मैं कहना ही रनस लाइक नहीं मेरे वगू भाई तो फिर लाइक आ गया पर जो पूरा वाह कहना कि ही रनस वो उवें भजता जिमें मैं भजना पूरा वाह कहना फिर आप लावे एज की वरतों करा